नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मेरे प्रोफेशनल भाइयों, अकाउंटेंट्स और पब्लिक एट लार्ज के लिए मैं बना रहा हूं। और इसमें हम ये बातें डिस्कस करेंगे। आप आज अगर 20, 22 और 24 मार्च को यहां खड़े हो, आपके मन में पहला सवाल होगा कि सर GSTR 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड होगी फरवरी की, सबसे पहले मार्च की, और साथ के साथ जो कंपोजिशन मुझे ऑप्ट करना था 31 मार्च से पहले, या कोई भी ऐसी डेट्स जो मेरी 31 मार्च से पहले फॉल हो रही थी, उनका क्या होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक प्रेस रिलीज के थ्रू 24 मार्च 2020 को ये अनाउंस कर दिया गया है, मेजर रिलीफ अनाउंस करी गई है, जिसके टैक्स पेयर्स को इसके ऊपर मेजर रिलीफ मिलेगा। साथ के साथ प्रोफेशनल एट लार्ज को भी इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। मैं प्रवीण शर्मा इन बातों को डिस्कस करते हुए सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करता हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने GST और इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड क्या मेजर रिलीफ अनाउंस करी। सबसे पहले चीज GSTR 3B। GSTR 3B जो मंथली रिटर्न्स होती हैं, जो मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्सेस से बारे में एक समराइज रिटर्न होती है, जिसकी ड्यू डेट कहा गया है कि जो भी मार्च, अप्रैल और मई से रिलेटेड जो 3B की रिटर्न्स हैं, उनकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30th of June 2020। इसका मतलब जो भी रिटर्न्स मार्च में, अप्रैल में और मई में जो भी फॉल होंगी, उनकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30th of June 2020। यहाँ पे आपका सवाल क्या होगा कि सर GSTR 3B की ड्यू डेट को एक्सटेंड फरवरी वाले की को एक्सटेंड किया गया है या नहीं। प्रेस रिलीज का पॉइंट नंबर 5 कहता है कि जो भी इंटीमेशन, ऑर्डर्स, रिटर्न्स, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जिनकी टाइम लिमिट एक्सपायरिंग हो रही है 20th मार्च से 29th जून 2020 के बीच में, उन सब की लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30th of June 2020। तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन हम पिक करते हुए एजम्पशन लेते हैं, और CBIC का भी लेटेस्ट ट्वीट भी यही कहता है कि अगर आपने सप्लाईज फरवरी, मार्च, अप्रैल में करी है, और यहाँ तक कि मई में भी अगर आपने कोई सप्लाईज करी है, उनकी ड्यू डेट सबको एक्सटेंड कर दिया गया 30th of June 2020। यहाँ पे हम दो पार्ट्स को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट वो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, जिनका पूरे साल में टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए कोई लेट फी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। अगर आप अपनी 3S GST या 3B को फाइल कर देते हो 30th जून 2020 से पहले। सेकंड कैटेगरी आती है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, वो अपनी पेमेंट 30th जून से पहले कर सकते हैं, बट यहाँ पे उनको इंटरेस्ट लगेगा 9% पर एनम के हिसाब से, 4.5% पर एनम CGST, 4.5% पर एनम SGST, कोई लेट फी नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे मैं समराइज करता हूँ आपको कि GSTR 3B, चाहे वो फरवरी की हो, अप्रैल की हो, मई की हो, इन सब की ड्यू डेट जो फॉल हो रही हैं 20 मार्च से लेकर के 29 जून के बीच में, इन सब की ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, जो अब नई ड्यूट हमारे सामने है 30th of June 2020। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए कोई लेट फी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, उनको सिर्फ इंटरेस्ट ही देना होगा। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आपका क्या होगा कि GSTR 1 की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है या नहीं। इस प्रेस रिलीज के थ्रू, एक इंटेंशन के थ्रू, फाइनेंस मिनिस्टर की मेजर रिलीफ के थ्रू, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मिनिस्ट्री की सिर्फ इंटेंशन है कि टैक्स पेयर्स एसएससीज को बेनिफिट दिया जाए ड्यू टू द COVID-19 कोरोना वायरस के इशू में। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो भी रिटर्न्स, जो भी ड्यू डेट, जो भी रिटर्न्स, कोई नोटिस, कोई रिप्लाई, कोई ऑर्डर, जो भी 20 मार्च से लेकर के 29 जून के बीच में फॉल होता है, उन सब की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है 30th of June 2020। सेकेंडली, जिनको कंपोजिशन ऑफ करना था, कंपोजिशन ऑफ करने की लिमिट 31st of March 2020 से पहले करनी थी। जिनको कंपोजिशन ऑफ करना था, उनके लिए भी लिमिट 30th of June 2020 कर दी गई है। अगर क्वार्टर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च
मार्च 20 का क्वार्टर में के बाद जो पेमेंट करता था कंपोजिशन डीलर अप्रैल में करता था, अब वो पेमेंट नहीं कर पाएगा ड्यू टू द क्योंकि सब लोग अपने घर में हैं, जनता कर्फ्यू हो चुका है और 21 डेज का लॉकडाउन भी हो चुका है, तो बहुत बिजनेस सफ़र हो रहा है इस केस में। फाइनेंस मिनिस्टर का मेजर रिलीफ भी यहाँ पर दिया गया कि क्वार्टर एंडिंग मार्च को बढ़ा करके जो पेमेंट अप्रैल में होनी थी उसको 30th of June 2020 कर दिया गया है। कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई लेट फी नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, यहाँ तक कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 की भी जितने भी रिटर्न्स कंपोजिशन डीलर फाइल करेगा उसकी भी लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया 30th of June 2020। नेक्स्ट, आपके मन में सवाल जीएसटी या 909C से रिलेटेड, यहाँ पे एनुअल रिटर्न के बारे में बताया गया है कि एनुअल रिटर्न की भी ड्यू डेट 18-19 फाइनेंशियल ईयर की एक्सटेंड करी गई है 31st मार्च से 30th of June 2020। ये पीछे 14 मार्च को जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में भी बताया गया था और अनाउंस किया गया था। यहाँ पे भी इस प्रेस रिलीज में 24th मार्च को बताया गया है कि जीएसटी या 9 की भी एनुअल रिटर्न की भी ड्यू डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है 30th of June 2020। प्रोसीड ऑन सबका विश्वास, सबका विश्वास स्कीम में जिनको फॉर्म्स इशू कर दिए गए या जिनको इंटीमेट कर दिया गया कि आप अपनी पेमेंट को आप कर सकते हो और जिनकी ड्यू डेट फॉल हो रही है मार्च या अप्रैल में, उनको उनके लिए भी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है कि अगर आप पेमेंट 30th जून से पहले कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा। ये मेजर रिलीफ बताया गया है इस इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड और जीएसटी स्पेशल से रिलेटेड। बट इन सब चीज़ों को लाना एक नोटिफिकेशन और लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट इसके लिए करनी पड़ेगी, जिसके लिए सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन का आना ज़रूरी है। इन फोर्स वो धीरे धीरे इन बिटवीन होते रहेंगे और इफ़ेक्टिव होते रहेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री से यही मैं अनाउंस अपनी रिक्वेस्ट देता हूँ कि जितना जल्दी हो इन नोटिफिकेशंस को आप ला सके, ताकि एक मेजर हमारे सामने एक मेजर एक इंफॉर्मेशन टाइप में एक इफेक्टिव नोटिफिकेशन हमारे सामने हो और उसको हम अप्लाई कर सकें। साथ के साथ कस्टम में एक इंफॉर्मेशन एक नई लेकर के आए कि 24/7 कस्टम क्लियरेंस होगा टिल दी एंड ऑफ दी 30th of June 2020। साथ के साथ जितने भी ड्यू डेट फॉल हो रही हैं इन बिटवीन, उन सबको एक्सटेंड किया गया है 30th of June 2020। यही मेजर रिलीफ है जीएसटी से रिलेटेड। मैं चाहूँगा आप ये आपके लिए मेजर रिलीफ मिला हो, और अगर कोई भी इसके अदर देन कोई भी आपका कोई कंसर्न हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्लेरिफिकेशन हो, डू राइट इन दी कमेंट बॉक्स बिलो। और आप घर पे ही रहें और घर पे ही रहें, स्वस्थ रहें और फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।